हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्या हमें हमारी कमज़ोरियों को, क्या हमें हमारे फियर्स को, क्या हमें हमारी वीकनेसेस को दूसरों को बताना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी कमज़ोरी और हमारे कुछ फियर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग हम सबको भी गलत नहीं ठहरा सकते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे हित में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जीवन में, हमें ऐसे मिलते हैं जो हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए हर एक इंसान से कभी भी अपनी कमज़ोरी को शेयर मत करो, हर एक इंसान से अपनी प्रॉब्लम को शेयर मत करो, उनको अपने वीक पॉइंट कभी भी मत बताओ, उनको अपनी स्ट्रेंथ बताओ। अगर किसी को कुछ बताना ही चाहते ना, उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। जब आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं ना, तो लोग आपसे पंगा लेने की, आपसे उलझने की ज़रूरत नहीं करते, ठीक है ना। वो समझ जाते हैं कि ये बंदा स्ट्रेंथेबल है और ये मेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। और जो वीक और कमज़ोर लोग होते हैं, जो अपने पहले से ही कमज़ोरियां लोगों के सामने बता देते हैं, ऐसे लोगों को लोग अपने जाल में फंसा करके उनका मिसयूज़ करते हैं। तो कभी भी हमें अपनी कमज़ोरियों को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, हमें लोगों के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में ही हमें लोगों को बताना चाहिए। नहीं तो लोग आपका किस तरीके से फ़ायदा उठाएँगे आपको पता नहीं चलेगा और आपको तोड़